अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ओके, सो देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम भी बनाई हुई है आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। ठीक है, ऑब्वियसली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक प्रोसेस है, क्या है, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस के लिए, इस टेक्निक के लिए या इस प्रोसीजर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है या जो डिवाइस यूज़ होती है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, सो दिस टेक्निक इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो टेक्निक है हमारे पास, ये किस लिए इस्तेमाल हो रही है? टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ लाइट की कितनी लाइट निकल रही, कितनी लाइट है, ये उसको मेजर करने के लिए टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, अब कौन सी लाइट दैट पासिस थ्रू द सैम्पल। ठीक है, आपने एक सैम्पल रखा है इस मशीन में। ठीक है, इस डिवाइस में आपने बेसिकली एक सैम्पल रखा है। ठीक है, और उस सैम्पल से कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रही है उसे मेजर करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। ओके, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड एट ईच वेवलेंथ इज प्लॉटेड इन अ ग्राफ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जो है डिवाइस हमें कैसे बताती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास हुई है, क्योंकि जो आपका सैम्पल है वो क्या करेगा, वो अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है हर डिफरेंट वेवलेंथ पर। आप लोगों को पता है कि लाइट्स की डिफरेंट वेव्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, लाइट वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, वेव्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, अब हर डिफरेंट वेवलेंथ पर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, जाहिर सी बात है अमाउंट ऑफ लाइट पास होगी तभी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ये चीज़ हमारे पास एक ग्राफ की सूरत में ये डिवाइस हमें बनाकर दे देती है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करके दे देती है, जिस पर हमें क्लियरली हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ थी और उसके ऊपर कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा इजीली कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पास हुई है अपने सैंपल से। ठीक है, तो इस तो ये जो टेक्निक है बेसिकली क्या करिए, मेजर करिए अमाउंट ऑफ लाइट जो किसी भी सैंपल से पास हुआ है। ठीक है, बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ। ठीक है, अब वो ग्राफ क्या कहलाएगा आपके पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड द प्रोसीजर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। ठीक है, बहुत सिंपल है, जो ग्राफ जिसके ऊपर जो है ये सारी रीडिंग्स प्लॉट हुई भी होंगी, वेवलेंथ्स और अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, ये दोनों चीज़ें जिस ग्राफ पर प्लॉट हुई भी होंगी वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ये जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसीजर होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री कहलाएगा, और जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस इस प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल हो रही है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दी हुई है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, विदाउट सनलाइट इन डार्क या अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनलाइट की ज़रूरत होती है आपके प्लांट को। ठीक है, तो सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि कितनी लाइट जो है हिस्सा ले रही है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और कितनी वेवलेंथ्स हैं उनकी, ये चीज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस जो है प्रोसेस के थ्रू, या इस टेक्निक के थ्रू, या इस प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि ये जो हम अमाउंट ऑफ लाइट मेजर कर सकते हैं, या ये जो टेक्निक है ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो जो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो है फोटोसिंथेसिस में आ रही हैं, ठीक है, वो आपको इससे पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी इसी वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा जो है टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगला भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, माइक्रोस्कोपी। सो माइक्रोस्कोप इज़ द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू व्यू। देखो, नाम से ही हमें पता चल रहा है बहुत ज़्यादा सिंपल है, माइक्रोस्कोपी है ऑब्वियसली, अगर तो माइक्रोस्कोप्स तो यूज़ होंगे ऑब्वियसली, नाम ही आधे से ज़्यादा मतलब हमें बता देता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, देखते हैं सैम्पल्स को और ऑब्जेक्ट्स को जो हम नेकेड आई से, यानी कि अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सैम्पल्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस कहलाएगा माइक्रोस्कोपी। ऑल ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड इन बायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी टेक्निक्स बायो में इस्तेमाल हो रही हैं माइक्रोस्कोपी के प्रोसेस के थ्रू, जितने भी हम चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोस्टली रेंज इन साइज फ्रॉम 1 to 100 माइक्रोमीटर। इस साइन का क्या मतलब है, मीटर से पहले जो लगा हुआ है इसका मतलब है माइक्रो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सपोनेंट -6, यानी कि 0.00006 दफ़ा आपके पास जीरो होगा। ठीक है,
तो ये मतलब इतनी छोटी जो है इस इतनी छोटी इतने छोटे साइज़ के जो आपके पास सेल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के, बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के सेल होते हैं उनकी रेंज मोस्टली इस साइज़ की होती है 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। क्यों माइक्रो, मैंने आपको बता दिया एक्सपोनेंट -6, बहुत ही छोटा साइज़ है, ठीक है। आप ऑब्वियसली अपनी आइज से नहीं देख सकते हो, जिसके लिए फिर हम लोग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी बायो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के जो सेल्स हैं उनका साइज़ आपको दिया हुआ है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आंखों से देखना मुमकिन नहीं है। ओके, यहाँ आपको टिडबिट्स में क्या दिया हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर और सब मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, मैग्नीफाइंग का क्या मतलब है? मैग्नीफाइंग का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके सैंपल को या आपके ऑब्जेक्ट को एक्चुअल साइज से, उसके ओरिजिनल साइज से, उसके असल साइज से बड़ा करके दिखा दे। बड़ा करके दिखाना सिंपली है मैग्नीफाई करना, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं, हम जानते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, बच्चे भी उससे खेल रहे होते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीज़ों को जूम करके दिखाता है, बेसिकली बच्चे उससे बहुत शौक से खेलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास के अलावा हमारे पास टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप, बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी उसके अलावा स्लाइड प्रोजेक्टर हमारे पास, या एक प्रोजेक्टर की बेसिक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, जो आप स्टूडेंट्स ने तो देखा ही होगा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कहीं तो देखा होगा, जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह में भी अगर प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी हुई होती है तो वो देखो कितनी सी स्क्रीन को कितना जूम करके हर चीज़ को दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, सारे मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। और ये बायो में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बायो में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को ऑब्जर्व करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के जो सेल्स होते हैं उनका साइज़ आपको दिया हुआ है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। माइक्रोस्कोपी में दो कॉन्सेप्ट, दो डेफिनेशन, दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और इन दोनों का फ़र्क पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इसका इंट्रो दूं, या सिंपल वर्डिंग्स में मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज़ करके जस्ट एक सिंपल वर्ड में, एक लाइन में मैं अगर दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपको बता दूं, तो मैग्नीफिकेशन सिंपल क्या है, किसी चीज़ को जूम करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने फ़ोन से कोई पिक्चर कैप्चर की, ठीक है, और उसके बाद आप लोग उसे जूम करके देख रहे हो, ठीक है, तो वो है मैग्नीफाई करना, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। आप लोगों ने जूम करके पिक्चर ली है तो वो भी है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। बट अब आपके मैग्नीफाई करने पर आपके पिक्सल्स कितने क्लियर हैं आपके पिक्चर के, वो ब्लर तो नहीं हो रही है, वो क्लियर, वो और ज़्यादा क्लियर हो रही है, ये सारे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये कहलाती है रेजोल्यूशन, कि आपके जूम करने पर कितनी क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या डेफिनेशन यहाँ पर हमें गिवन है। सो द माइक्रोस्कोप हैज़ टू एबिलिटीज, माइक्रोस्कोप की दो एबिलिटीज़ हैं, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, उसके दो खासियत होंगी, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन। द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू व्यू टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स बाय सेपरेटिंग दैम फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन पावर, ठीक है। रेजोल्यूशन पावर सिंपल क्या है, जैसे एक पिक्चर में डिफरेंट बहुत ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ज़्यादा करीब करीब होते हैं। अगर वो पिक्सल्स एक दूसरे के इतने करीब हैं कि अगर वो पिक्सल्स करीब हैं और किसी कैमरे की जो है रेजोल्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं है, अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है किसी कैमरे की, तो क्या होगा, वो सारे पिक्सल्स आपको पिक्चर धुंधले क्यों नजर आएगी, क्योंकि वो सारे पिक्सल्स आपको मिक्सअप नजर आएंगे, ठीक है। आपका कैमरा अच्छी रेजोल्यूशन वाला तब कहलाएगा जब वो उन सारे पिक्सल्स को अलग अलग करके क्लियर क्लियर करके दिखाएगा, उनमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा, तभी वो पिक्चर आपको ओवरऑल वो पिक्चर आपको क्लियर नजर आएगी, वो ब्लर नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पिक्सल्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे और आपको क्लियर नजर आएंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की ऐसी खासियत जिसमें दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सके, उन दोनों को सेपरेट कर, वो दोनों मिक्स ना हो रहे हो, वो दोनों एक जैसे ना लग रहे हो, वो दोनों ब्लर ना हो रहे हो, क्लियरली अलग अलग आपको वाजह नजर आ रहे हो, ठीक है, तो वो पावर जो है माइक्रोस्कोप की कहलाती है रेजोल्यूशन पावर।
द रेजोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अबाउट 200 नैनोमीटर टाइम्स. ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो है आपके पास 200 नैनोमीटर टाइम्स. अब जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था माइक्रोमीटर, उसी तरह यहाँ पर है नैनोमीटर, और नैनो का मतलब है एक्सपोनेंट माइनस 9. ठीक है, ये माइक्रो से भी ज़्यादा छोटा है. ठीक है, तो रेजोल्यूशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की आपको रेजोल्यूशन बताई है 200 नैनोमीटर टाइम्स. वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेजोल्यूशन वो 200 नैनोमीटर टाइम्स कर सकता है. जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा एडवांस होता है, तो उसकी रेजोल्यूशन 0.5 नैनोमीटर है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन पावर. नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू व्यू एन ऑब्जेक्ट बाय एनलार्जिंग इट फ्रॉम इट्स रियल साइज. वही जो सिंपल सी बात मैंने ऊपर टिटबिट्स में आपको मैग्नीफिकेशन की बताई थी, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके रियल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा एनलार्ज करके देखना क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन पावर कहलाता है. द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अबाउट 1500 टाइम्स, वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अबाउट 1,000,000 टाइम्स. ठीक है, दोनों की जो है आपको दी हुई है वैल्यूज़, के कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना जो है मैग्नीफाई कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इतना मैग्नीफाई कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन रेजोल्यूशन पावर. ठीक है, ये सारी की सारी, ये जो आपकी मैग्नीफिकेशन है किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन पावर के ऊपर डिपेंड करती है. ऑब्वियसली आप जब जूम कर रहे हो, आपके पिक्सल्स कितने क्लियर हो रहे हैं, अगर वो मिक्सअप हो रहे होंगे तो मज़ीद जूम नहीं हो सकेगा, वो फिर जितना भी आप जूम कर रहे हो वो ब्लर हो जाएगा. ठीक है, एक हद तक के वो जूम हो सकेगा, मज़ीद जूम नहीं हो सकेगा. लेकिन अगर आपके कैमरे की या आपके मैग्नीफाइंग ग्लास की या आपके माइक्रोस्कोप की या किसी भी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन अच्छी होगी, तो रेजोल्यूशन अच्छे होने से वो जितना क्लियर करता जाएगा, जितना क्लियर करने की उसमें ताकत होगी, तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ ईजिली आप जूम कर सकोगे, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ ईजिली आप मैग्नीफाई कर सकोगे. ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन पावर जो है बेसिकली रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है कि किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, डिपेंड्स ऑन इट्स रेजोल्यूशन. ठीक है, मैग्नीफिकेशन सिंपल यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया हुआ है. ठीक है, और रेजोल्यूशन भी आपको बनाकर दिखाया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आपको फासला नजर, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स आपको अलग अलग और क्लियर क्लियर नजर आए. सिंपल वर्डिंग्स में आप इसको इतना ही याद रखो. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिक ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने इस लेक्चर में किए हैं. एक हम लोगों ने 1.1.7 स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की है, और एक हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी की है. ठीक है, इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और 1.1.9 ग्रेटिट्यूड एंड माइक्रोमीटर, ग्रेटिक्यूल एंड माइक्रोमीटर, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं. ओके, अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना. अल्लाह हाफिज़.